हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब अपने राज को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे और उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था। रानी जो थी वो भी खुश थी। रानी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, रानी भगवान की पूजा करती थी, सब भगवान की पूजा करती थी और पूजा करके भोजन करती थी। रानी का जब विवाह हुआ तो कुछ ही दिन बाद, साल दो साल बाद एक पुत्र पैदा लिया। जब रानी का पुत्र पैदा लिया तो रानी का बहुत बड़ा खुशी हुआ कि मेरा पुत्र पैदा लिया है। जो राजा साहब थे उन्हें भी बहुत खुशी हुआ कि मेरा पुत्र पैदा लिया। गुरु भाई बहन, बड़े खुशी मनाए, दोनों बहुत धूमधाम से खुशी मनाए, अपने प्रजा को बताएं। उनका प्रजा भी जो थे बहुत नाचे गाए, मस्ती किए और खुशियां मनाए। जब उनका बड़ा हो गया पुत्र, उनका जो राजा साहब का पुत्र था वो जब बड़ा हो गया तो मूर्ख था, उसे ज्ञान नहीं था। राजा साहब को लगता था कि कभी भी मेरा बेटा बुद्धिजीवी नहीं होगा, इसका ज्ञान नहीं होगा। फिर भी रानी साहब जो थी वो धीरे धीरे अपने बेटा को पढ़ाने लिखाने लगी, मेहनत करने लगी और पढ़ाई लिखाई में शुरुआत कर दी कि बेटा तू पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के कुछ ज्ञानी बनो। एक ही अंक के रानी साहब 100 बार समझाती लिखवाती, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने लग गया। रानी का संतुष्टि हुआ कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने लगा, अब तो ज़िंदगी में कुछ कर लेगा। लेकिन राजा साहब का विश्वास कुछ भी नहीं था। धीरे 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 वो राजकुमार बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो रानी साहब कहने लगी, पतिदेव जी, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर दीजिए, ये विवाह योग्य हो गया है। राजा साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो मूर्ख है, इससे विवाह कौन करेगा, किसका जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं जो आप अपने पुत्र को विवाह करवाना चाहते हैं। रानी बिचारी कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। राजा साहब बहुत जिद करने के बाद मान गए और कहने लगे कि तो ठीक है, यदि आपका सोच है कि मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और इसका शादी कर देना चाहिए तो मेरा एक शर्ते है, वो शर्ते यदि पुत्र पूरा कर देगा तो इसका विवाह हम खुशी खुशी कर देंगे। रानी बोली अपने पति से, महाराज आपका क्या शर्त है, अपना शर्त बता सकते हैं। राजा बोले, हम 3 पैसे देना चाहते हैं अपने पुत्र को और 3 पैसे में 3 काम करना होगा, सामान ज़्यादा खरीदना होगा, क्या आपका पुत्र खरीद कर लाएगा। बोले कि महाराज कह के तो देखिए। बोले कि 1 पैसा है जो इसे भोजन करना है, दूसरा पैसा है इसे नदी में फेंक देना है, तीसरा पैसा है इसे 5 सामान खरीदना है, 1 पैसा में 5 सामान खरीदना है। पहला तो है कि गौ का चारा हो जाए, दूसरा में कुछ ऐसा बीज हो कि उसको बो दें जो फसल हो जाए, तीसरा में
खुद का भोजन कर ले और उससे परिवार खुश हो, उसमें सबका भोजन हो, गाय का भी हो और मनुष्य इंसान भी खा सके और बीज भी बो जाए। ये जो रानी थी वो बोली ठीक है, अपना बेटा को का समझा के बाजार भेज दिए। ये जाकर चुपचाप नदी के अरार पे बैठ के सर पे हाथ धर के और सोच रहा है कि मेरे पिताजी बोले हैं एक पैसा के खा जाना, एक पैसा के तो पहले खा जाएंगे। वो बच्चा पहले खा गया, दूसरा पैसा नदी में फेंकने गया तो सोचता है कि नदी में फेंक देंगे तो क्या फायदा, ये तो मिट्टी में झक जाएगा पैसा, इस पैसा से कोई काम नहीं होगा। क्या मतलब बना, कुछ भी नहीं, सर पे हाथ धर के बैठ गया। एक पैसा की उतना सामान खरीदना है कैसे खरीदा सकता है। एक लोहार का लड़की उसी रास्ते से स्कूल से जा रही थी, अपना हाथ में पुस्तक लिए हुए उसी रास्ते से गुजर रही थी। किस राजकुमार पे, सुंदर राजकुमार था, राजा का पुत्र था, वस्त्र आभूषण उसको शरीर में था। जब इसके पे नज़र पड़ा तो वो लड़की कहती है कि भाई आप क्या भूखे हैं जो नदी के अरार पे बैठे हैं। ये राजकुमार बोलता है नहीं, हम भूखे नहीं हैं, हम बाज़ार जाने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या बताऊं, बाज़ार जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे पिताजी 3 पैसे दिए हैं, एक पैसे को बोले खा जाना तो हमने तो खा गया, दूसरे पैसे बोले नदी में फेंक देना तो हम नदी में फेंकेंगे तो उस पैसे को क्या होगा, हम फेंके नहीं हैं लेकिन माँ का शर्ते था, तीसरा पैसा उसको से गाय का चारा भी खरीदना है, गाय का खाना भी हो जाना चाहिए, उससे ऐसा हो कि जो मनुष्य भी खा के अपना पेट भर ले, उससे ऐसा हो कि बीज भी हो जाए, फसल तैयार होना चाहिए, उसको बीज भी खरीदना है। ये लड़की सोच विचार की और बोली कि चलिए बाज़ार आपके साथ हम चलते हैं, आपके साथ बाज़ार तो नज़दीक में है, चलिए बाज़ार चलते हैं, आपको सामान हम खरीद देंगे। लड़की सारा बाज़ार घूम ली, अब केले वाला के पास गई है तो केले वाला के पास जाकर सोचती है कि केला के छिलका और केला के अंदर ये तो दो ही सामान होगा, गाय के लिए नहीं। वहाँ से आगे बढ़ी, सेब के पास इसमें भी दो ही हैं, अमरूद के पास इसमें भी दो ही हैं, नारियल के पास इसमें तो एक ही है, जी जौन फल के सामने जा रही है उसे एक दो एक दो एक दो नज़र आ रहा है। ढूंढते 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 खीरा ककड़ी सब कुछ ढूंढ ली, नहीं उसको समझ में आया। बाज़ार में एक जगह तरबूज गिरा हुआ था, तरबूज के पास गई वो लड़की, जब तरबूज पर नज़र पड़ा तो लड़की सोचती है कि हरा का बात था तो ये हरा भरा तो ये है तरबूज, तरबूज का छिलका गाय खा लेगी, इसका जो अंदर वाला है उसे मनुष्य खा जाएंगे, व्यक्ति इंसान खाएंगे, और जो बीज है वो बोआ जाएगा तो उससे फिर फसल तैयार हो सकता है, क्यों ना यही खरीदवा दें। राजकुमार को वो लड़की जो थी तरबूज खरीदवा दी, खरीदवा के और एक पैसे जो नदी में फेंकने का था वो नदी में लड़का नहीं फेंका, वो लेकर तरबूज चला गया, माँ के पास दे दिया, माँ हम तरबूज लेकर आ गए। माँ बहुत खुश हो गई, राजा के पास राज दरबार में इस बात को भेजा दी। राजा दौड़े आए, बोले मेरा बेटा होशियार हो गया है, आए तो जैसा ही तरबूज पर नज़र पड़ा तो कहते हैं कि नहीं रानी, ये तो बेटा का कमाल नहीं है, ये किसी ने इसको बताया है। अपने पुत्र से रानी पूछी तो ये लड़का बोलता है माता जी हम रास्ते में जा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, नदी में पैसा फेंकने गए, एक लोहार की लड़की थी वो पुस्तक हाथ में ली हुई थी, स्कूल से आ रही थी,
उसने मुझे उदास देखकर मुझसे पूछी तो हम यही बात बताएं, तो बोली चलिए मेरे साथ बाजार, हम खरीद देते हैं आपका सामान। उन्होंने ही मुझे सामान खरीद के दे दी तरबूज, और एक पैसे मेरे पैकेट में हैं। और उसके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि लो ये तो दूसरे के सहारा से चल दिया, अब इसका भी से विवाह कैसे होगा इसको। रानी कहती है नहीं महाराज, आपको शादी करना होगा। राजा कहते हैं चलो उसी लोहार के घर जाते हैं। लोहार के घर जाकर और बोलेंगे, बताएंगे अपने बेटा को लिए, उनके बेटी को हाथ मांगेंगे। लोहार बेचारा बिल्कुल निर्धन थे, वो गरीब थे। राजा साहब रानी साहब दोनों बहुत सारे गिफ्ट लेकर उनके पास गए, वस्त्र आभूषण लेकर भी गए। लोहार भाई का दरवाज़ा खटखटाए, लोहार भाई निकले, उनकी बच्ची निकली, उसके जो और परिवार थे, माता पिता उसकी नहीं थे, उसके लोहार भाई जो उसका लोहार का भाई थे वो घर में ही थे, निकले। बोले क्या कहना है राजा साहब, आप मेरे घर आए, मेरे भैया तो नहीं है, भाभी नहीं है, भैया का बच्ची है, बोलिए क्या कहना है। ये कहने लगे कि देखिए आपके जो भैया भाभी हैं उन्हीं से हमें बात करना है। ये जो लड़की थी वो उससे पूछे राजा साहब कि आपके माता कहाँ गए हैं, तो कहते हैं कि माता गई है एक दूसरे से रोशनी बढ़ाने को लिए लाने। तो पिताजी अपने बातों को बेचने गए हैं और बातों से खरीदने गए हैं। राजा साहब कहते हैं बेटी हम तुम्हारे बात को समझे नहीं, आखिर तू कहना क्या चाहती हो। लड़की बोली मेरे पिताजी जो हैं किसी का बेटी का विवाह करवाने गए हैं, आज उनकी शादी पक्की होने गया है, इसीलिए उनका बात का बिक्री होगा, तो वही करने गए हैं मेरे पिताजी, शब्द बेचने गए हैं। और जो मेरी माता है तो मिट्टी का तेल लाने गई है, मेरे घर में जो लंप है उसमें मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया है, तो उसको जब तेल लाएगी उसमें डालेगी तब तो बत्ती जलेगा, तो एक दूसरे से चलेगा तब तो इंजोला होगा। राजा साहब बोले लड़की तो बड़ा होशियार है। वो दोनों आ गए, कुछ ही देर में आने वाले हैं। दोनों आ गए, राजा रानी को देखकर उनका बदन कांपने लगा कि इतना बड़ा राजा रानी है मेरे घर आए हैं। बोले राजा साहब किस कारण मेरे घर आना हुआ। कहने लगे हम आपके बेटी के हाथ अपने बेटे को लिए मांगने आए हैं, क्या आपको स्वीकार है। इस बात को सुनकर लोहार बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि राजा साहब छोटी मुंह बड़ी बात, मुझसे कहा नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता, लेकिन भला आपके घर में मेरा बेटी का किस्मत कैसे हो सकता है। राजा साहब बोले नहीं नहीं ये सत्य है, ये मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, आपका बेटी से अपने बेटे का विवाह करना चाहता हूँ। जो रानी थी वो इस रिश्ता को, लोहारन थी और लोहार इस रिश्ता को मंजूर कर लिए, स्वीकार कर लिए और बोले कि ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है। राजा और रानी दोनों अपना घर को लौट आए। जब घर लौटे तो अपने पत्नी से बताए, अपने बेटे से बताए कि तुम्हारा शादी तो हम उसी लोहार के बेटी से करवा दिए, तय हो गया। ये जो लड़का था वो अपने गांव में बताया, गांव में पूरा चर्चा फैल गया। राजा ऊँचे ब्यादर के हैं, वो लोहार के बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं, राजा ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये जो लड़का था वो बोला इसमें क्या दिक्कत है, मेरा शादी हो जाने दीजिए, लड़की तो है ना। लेकिन लड़का तो मूर्ख था, जब ऐसे बोला तो गांव वाले बोले देखो तुम ऊँचे ब्यादर के हो, ऊँचे कास्ट के हो, एक लोहार की लड़की से शादी करोगे, नहीं वो नीची जाति है,
उसे शादी मत करो, वो गरीब घराने की लड़की है। उसके घर जाकर उसके पिता से बोल दो कि यदि तुम्हारा बेटी मेरे घर आएगी तो उसे 5 जूते रोज मारेंगे और उसे कभी नहीं स्वीकारेंगे। ये जो लड़का था वो लोहार से जाके बोला, आपका बेटी से हम विवाह नहीं करना चाहते हैं, इस रिश्ता को तोड़ दीजिए। वो लोहार कहते हैं, नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। ये मूर्ख था राजा का लड़का, वो बोला कि मुझे गांव वालों ने कहे हैं कि जब विवाह होकर लड़की आएगी तो उसे 5 जूता रोज मारना और नहीं तो रिश्ता तोड़ दो। ये जो लोहार थे अपने बेटी से बोले, बेटी 5 जूता के मार खाने से भला तो कुमार ही रहना भला है, शादी मत करो, ये शादी तोड़ दो। लड़की कहती है, पिताजी जब उसके घर मेरा डोली जाएगा, उसके घर दुल्हन बन के अंदर जाएंगे तब तो वो मारेगा। कोई बात नहीं, हम राजमहल के रानी बनने वाले हैं पिताजी, मेरा इतना बड़ा राज रहेगा, उससे बड़ा क्या हो सकता है। ये भोलेनाथ का कृपा है कि हम उस राजा के बहू बनने वाले हैं। ऐसा बात जब लोहार सुने तो कुछ नहीं बोले, अपने शादी को लिए हाँ कह दिए और समय आने पर जो दिन हुआ था पक्की उसी दिन का शादी दोनों का हो गया। राजा बारात लेकर आ गए और लड़की विदा करवा के लाए विवाह करके। जब लड़की अंदर आई, ये जो लड़का था वो सुहागरात में गया। जब सुहागरात में गया तो लड़की गहरी नींद में सो गई और लड़का अपना जूता निकाला, पलंग पे सोई हुई थी लड़की, लड़का सुहागरात में गया अपना जूता निकाला और जूता निकाल कर और उसे लड़की को मारने वाले ही था कि लड़की कहती है, आज के दिन आज राजा हाय शुभ दिन माज, जैसे मिललन श्री भगवान जी, राम के संग वज राजा सीता जी मिललन, शंकर जी के संग पार्वती जी, कृष्णा के संग वज राजा रुकमाने मिललन जी, मिले झोले जिंदगी ने बाए जी, आज के दिन आज राजा शुभ है दिन माज, जूतरे चप्पल वाते नालिया जी, दुधवा के गिलास वज राजा हथवा में ले जी, शुभ सगुन मामी ले कर जी। लड़की कहती है कि भगवान भी आज के दिन मिले थे तो उनका जिंदगी खुशी खुशी बीता था, आप मुझे मारना चाहते हैं, आहा कल मार लीजिएगा, आज तो शुभ दिन है, आज दोनों मिले हैं, आज मत मारिए। ये जो राजकुमार था वो बोला, मुझे गांव वालों ने बताए हैं कि जब तुम्हारा पत्नी आएगी तो उसे ज़रूर मारना, इसीलिए मारना चाहते हैं। जूता रख दिया और पत्नी के गले में लिपट के कहता है, मुझे माफ़ कर दो, कल से मारेंगे, आज नहीं मारेंगे, आज का दिन शुभ है। ये जो लड़का था, दोनों रात बिताया, सवेरा हुआ, दिन बिताया पूरा। जब रात फिर से हो गया तो लड़की सोने चली तो फिर से ये लड़का जूता उठाया, फिर से जब जूता उठाया तो ये लड़की कहती है, आज के दिन आज कुमार हाय शुभ दिन मांझी,
कैले रसोइया बेहा बार जी मीठा बनैले जे कुमार मीठा ना खैली जी मीठे मधुर बोल बोलू जी। जब ये लड़का सुना तो कहता है आज भी नहीं मारना है, तो नहीं उस दिन में नहीं मारा। जब तीसरा दिन गया तो कहता है कि महाराज इस सप्ताह भर आप मत मारिए। राजा साहब पतिदेव जी सप्ताह भर मत मारिए, सप्ताह भर के बाद मारिएगा। ये लड़का सोचा सप्ताह दिन क्या है, सप्ताह दिन तो मान जाएंगे। ये दोस्त यार से जाके बताया, पूछा दोस्त यार कि क्या अपने पत्नी को मारा, तो दोस्त यार से बताया कि नहीं ऐसे बोला है। दोस्त यार बोला कि अरे वो पट्टी पढ़ा दिया उसको मारो जाकर, तब तो नहीं तो बस जरस जाएगी तो तुम्हारा घर में रह जाएगी। ये जो कुमार राजा था, राजा कुमार के राजा के पुत्र, वो बोला कि मेरा दोस्त ने ऐसे बोलता है। ये लड़की बोलती है अपने पति से, अपने दोस्त से बताइएगा कि क्या जब तूने सुहागरात में गया था तो अपने पत्नी को पीटा था। ये लड़का दिल में लगा लिया, अपने दोस्त से पूछा तो दोस्त ने बोला कि नहीं हमने तो अपने पत्नी को नहीं पीटा, तो आप कैसे मारना चाहते हैं, जब 8 दिन हो जाएगा उसके बाद मुझे मारिएगा। रीति रवैया के अनुसार गुरु भाई बहन 3 से 4 दिन में दुल्हन अपना मायके चली जाती है। तो उसी तरह वो भी राजकुमारी जो थी लोहारन की बेटी, वो भी अपना मायके चली गई, मायके चली गई। और कुछ ही दिन बाद जब अपने ससुराल आई तो ये राजकुमार फिर से उसे मारने गया, तो ये बोलता है कि पतिदेव जी आज तो फिर से हम पहले दिन आए हैं आपके घर, आप मुझे मत मारिए। लेकिन जिस दिन आई उसका दूसरे ही दिन उसके माता बोली अपने पति से कि राजा साहब आप व्यापार में जाते हैं अपने पुत्र को नहीं भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजिए व्यापार में। व्यापार में ये राजा साहब भेजने से इनकार कर गए। लेकिन रानी बोली राजा साहब गलती वही करता है, सही वही करता है जिससे गलती हो, और जिससे गलती हो वही सही करता है, सही वही करता है जिससे सही हो वही गलती भी करता है, इसलिए राजा साहब व्यापार में इसे भेजिए। जानिए कि ये धन डुबा भी देगा तो सीख जाएगा, धन बचा भी लेगा तो सीख जाएगा, काम सीखेगा। जब तक इसके शरीर पे ऊपर लोड नहीं आएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। बोले ठीक है। राजा साहब उसे कुछ पैसे देकर व्यापार में भेज दिए, व्यापार में भेज दिए। नौकर चाकर के साथ में वो राजकुमार व्यापार में चला गया। चलते 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 एक बहुत सुंदर बगीचा था, बगीचा के बीच एक महल था, महल के बाहर पहरेदार बैठा हुआ था। ये जो राजकुमार था अपने नौकर से बोला कि क्या इस महल के अंदर पानी मिलेगा। नौकर जाकर पूछा, नौकर बोला यहाँ पानी उसी का मिलता है जो मालिक होता है। राज ये जो लड़का था बोला मालिक तो हम हैं। बोले ठीक है आपके पास पैसे हैं तो हाँ पैसे वस्त्र आभूषण सब कुछ है मेरे पास, घोड़ा हाथी सब कुछ है। नौकर जाने दिया, नौकर जाने दिया तो वहाँ एक सुंदर राजकुमारी थी, सुंदर राजकुमारी थी। वो राजकुमारी को नज़र पड़ा तो राजकुमारी सुंदर सा बिस्तर दी और इसे अपना बहला फुसला के अपने पास बैठा कर कहती है कि हम एक चौपड़ खेलने वाली हैं, क्या आप मेरे साथ चौपड़ खेल सकते हैं। ते तो राजा मूर्ख था, बोला कि हाँ हम खेलेंगे चौपड़। ये जो राजकुमार था पुरानी लड़की के साथ चौपड़ खेलने लगा, खेलने लगा तो उसके पास एक बिल्ली थी, वो अपना पासा जीत जाती। बिल्ली के बोलती कि दिया बुझा दो तो बिल्ली अपना दिया बुझा देती और ये पासा जीत जाती, इसका हार होता ही नहीं। ये लड़की जीत जाती थी सबसे और सबके धन हड़प के और बंदी बना के और जेल में डाल देती थी, उसी तरह सबसे करती थी, वैसा ही करती थी और वैसा ही इसे भी किया।
इसको राजा को इसको जो भी 5 रुपया पैसा था सब चीज ले लिया, ऐसे जेल में डाल दिया। तो ये राजकुमार जब जेल में चला गया तो ये जो लड़की थी राजकुमारी जो जीती थी वो क्या की कि कच्चे कमानी चिरवा के और राजकुमार को खूब पिटवाई, खूब उसे मरवाई, मरवा के और थोड़ी थोड़ी भोजन देने लगी। ये लड़का विलाप करता है जेल में से, मुँह तो रूह चूहा रूह चूहा ओटवाना लगाई सो मन जी तोरी सूरती आए रानी नहीं होवे दूरिया जी। अरे तू बनला माल के रानी जी कौने कारण मेरे हामा मंदले जे हल खाना मां जी। अरे काचे कान लिया पिठिया परे जी। ये लड़का बिलाप करता है, रोता है जेल में, छटपटाता है, तड़पता है। ये रानी जो बेचारी लोहारी इनकी बेटी थी वो सोचती है मेरे पति पर कोई तो कुछ ना तो कुछ जरूरी है संकट कि मुझे बेचैन जी रख लग रहा है। महादेव के मंदिर जाती है और महादेव से कहती है कि हे भगवान कहाँ है मेरे पति जो मेरा दिल बेचैन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बात है कि मेरा घबराहट लग रहा है, मेरे पति को आप सहायता कीजिए। भोलेनाथ क्या किए कि उसके बगल के व्यक्ति के रूप में उसके जेल के दरवाजे से पार हो रहे थे। ये लड़का जेल से देख रहा था तो देखा कि मेरा गांव का गुजर रहे हैं। भोलेनाथ अपने उस नौजवान के रूप धर लिए, इसके गांव के चिंता जानता आदमी के रूप में, और उसके दरवाजे पे खड़ी हो गए। ये लड़का बोला, आवाज़ दिया, भोलेनाथ उसके पास खड़ी हो गए और बोले क्यों चिल्ला रहा है तू? तो भाई हम जेल में हैं, हम तो बिजनेस में निकले थे व्यापार में, लेकिन ऐसी ऐसी कहानी हो गया, दो चिट्ठी हम देते हैं, दो चिट्ठी में एक चिट्ठी मेरी पत्नी को देना और एक चिट्ठी माँ को पिताजी को। एक चिट्ठी में लिखा कि हम बहुत सारे पैसा कमा लिए हैं, आएंगे तो तुम्हें जूते जूते मारेंगे, और अपने पत्नी को नाम लिख दिया। और एक चिट्ठी में लिखा कि पिताजी व्यापार में तो हम आए लेकिन हम कारागार में हैं, पिताजी मुझे छुड़ा कर ले जाइए, जुगे में हम सब हार गए हैं, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ पिताजी, मुझे रोज़ पीटा जाता है कच्चे कमानी चिरमा के और उसमें नमक छिटवा के और मेरा पीठ को थूरते हैं यहाँ पिताजी, जैसे कि पानी में बेंग फूलता है उसी तरह मेरा पीठ फूल गया है पिताजी, मेरा जान अब व्याकुल हो रहा है, अब लगता है प्राण निकलने वाला है, पिताजी मुझे यहाँ से जल्दी छोड़ा कर ले जाइए। जब ऐसा बोले तो ऐसा लिख के दिए, भोलेनाथ क्या किए कि चिट्ठी को बदल दिए, जो पिता के लिखा हुआ चिट्ठी पिता के लिए था वो पत्नी को दे दिए, जो पत्नी का लिए था वो पिता को दे दिए। पिताजी पैसे के बारे में पढ़कर बड़ा खुशी मिला, लेकिन लगा कि मेरा नाम बेटा नहीं लिखा, मेरा नाम बेटा नहीं लिखा, अपने पत्नी को चिन्हा और पत्नी को नाम लिखा, आखिर क्या कारण हो सकता है। अब पत्नी को जो चिट्ठी मिला तो पत्नी तो पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अपने ससुर का पैर धर के वो कहती कि पिताजी आपका बेटा संकट में है, पिताजी देखिए चिट्ठी में क्या आपको बेटा लिखे हैं। जब दोनों चिट्ठी उसके पिता पढ़े तो हृदय फाट के रोने लगे और कहते हैं बेटी मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, अब क्या करें। ये लड़की कहती है पिताजी कुछ मुझे पैसे चाहिए और आप मेरे साथ बाजार चलिए। तो अपने ससुर के साथ वो रानी राजकुमारी जो थी वो बाजार चली गई, बेचारी लोहारन की बेटी, अब जाकर और धोती कुर्ता राजा का वस्त्र आभूषण सब कुछ खरीद ली और खरीद के राज मुकुट भी पहन ली और घोड़े अपने ससुर से मांग के और घोड़े सवार हो गई और उसी पता पे चल गई। तो वहाँ नज़दीक पहुँच के उनके नौकर से बोली
कि क्या मुझे पानी मिलेगा? तो नौकर बोले कि हाँ, पानी तो उसी का मिलता है जो मालिक होते हैं। ये बोले हाँ, हम मालिक हैं, हम एक राजा हैं। ये तो लड़की नहीं बताई, ये राजा की जो बहू थी वो बोली कि हम राजा हैं, और ऐसा कह के और बेचारी वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। वो गेट खोल दी रानी, अंदर ही गई और जाके रानी से बोली, राजा के कहने, नौकर के कहने के अनुसार ये सारी बात अंदर जाकर सारी नौकर से मिलाकर और पूछ ली। ये जो राजा के बहू थी, राजकुमारी लोहारन की बेटी, वो सब बहू सब उसके नौकर चाकर को अपना तरफ करके असरफिया सोने की मोहरे देकर और सबसे राज पूछ ली, सब उसको रानी के बारे में राज बता दिए। तो ये राजा के उस राजकुमारी जो जुगा खेलती थी उससे को नौकर के खरीद के और बोली, दो चूहे मुझे दे दो, एक डब्बे में पैक कर दो, और जब जुआ खेलेंगे तो ऐसा कर देंगे कि चूहा निकाल के और भगा देंगे। जब ये रात्रि में दिन में सबको मिला ली और मिलाकर और किसी को पता भी नहीं चलने दी कि एक औरत है वहाँ पर बैठ गई जुआ खेलने के लिए। दोनों राजकुमारी ही थी, लेकिन एक तो राजकुमार का रूप था, और जुआ खेलने लगी तो पहले पासा में वो जीत गई। लेकिन जब इसका आया, ये भी कही कि तो ठीक है, एक हाथ नहीं हम दो हाथ नहीं हम चार हाथ खेलेंगे। बोले ठीक है। जब इसका पासा आया तो बिल्ली की तरफ वो इशारा मारी कि जाके लंप बुझा दो। तो ये चूहा निकाल के खोल दी डिब्बा, तो चूहा निकल के दौड़ने लगी, बिल्ली भागने लगी। ए रानी जीत गई, जे राजा की बहुत राजकुमार के बहुत पत्नी थी, राजा के जो बहू थी वो जीत गई। राजकुमारी लोहारन की बेटी जीत गई, सारी धन संपत्ति घर सारा उसको जो भी था सब जीत गई, सब कुछ जीत गई। वो तो हार गई। अब हार गई तो कहती है कि सारा को तो तूने कारागार में बंद कर दिया है, चलो अब एक नौकरानी बन के मेरे घर रहना तू। चलो जो भी उसके पास धन संपत्ति था ये सारी धन संपत्ति को बंधवा ली और बंधवा के और बोली गाड़ी पर लोड करवा के अपना घर आने लगी। जेल में जितना कैदी था उसे सब आजाद करवा के अपना पति को तो चीन ली और बोली कि सुनिए, आप घर जाने वाले हैं? तो हाँ। ये क्या की कि बेचारी वस्त्र लेके गई थी अपने पति के लिए, बोली कि ये वस्त्र आप पहन लीजिए और ये वस्त्र खोलवा के और राजा से चुपके संदूक में डलवा के और घर भेजा दी। बोली कि ले जाइए अपना घर, मेरे जो सामान है वो सुरक्षित रखिएगा और हम भी 15 से 20 दिन के बाद आएंगे। बोले ठीक है। ये जो बेचारी उसकी पत्नी थी वो तो राजा के रूप में घोड़े सवार होकर और चल दी गाड़ी से, अपना बैलगाड़ी से धीरे धीरे सामान लदा हुआ ये धीरे धीरे जा रहे थे और पीछे पीछे इस लड़की के साथ धन संपत्ति के साथ, और जो राजकुमारी थी घोड़े से बेचारी चली गई, घर चली गई। अपनी ससुर से सारी सच बता दी कि पिताजी हम मर्दों के भेष में गए थे और इसीलिए मुझे मर्द का भेष बनाना पड़ा और मुझे आप माफ़ कर दीजिए। राजा साहब कहने लगे, बेटी तुम्हारा से तो कोई चतुर हो ही नहीं सकता है, तूने तो अपने पति को छुड़ाने के लिए एक मर्द का रूप धारण की, इससे बड़ा कौन खुशी हो सकता है। बेटी तुम चिंता मत करो, हम बेटा से कुछ भी नहीं बताएंगे। और सास को कोई बात नहीं जानने दी, सास के नहीं जानने दी और अंदर चली गई रहने लगी। और ये जो राजकुमार था शाम होते होते पहुंचा इस लड़की के साथ और जो भी धन संपत्ति था अपने पिता को जिमा किया और बोला, पिताजी इतना सारा धन समान संपत्ति हम कमा के लाए हैं। और अपने पत्नी के पास गया तो पत्नी के रात में बोला कि तुम्हें हम जूते से मारने को लिए इतना धन कमा के लाए हैं। लड़की बोली, हाँ आज नहीं कल मारिएगा, आज नहीं मुझे मारिए कल मारिएगा। बोले कल क्यों? तो आज तो इतने दिन पे आए हैं तो मारिएगा तो जतरा खराब हो जाएगा, कल मारिएगा। जब सवेरा हुआ तो अपने ससुर से बोली, पिताजी हम वही राज वस्त्र पहनकर थोड़ा देर के लिए आना चाहते हैं, क्या आपका इजाज़त है? उसके जो ससुर थे वो सारी बात जानते थे, बोले ठीक है बेटी जाओ। थोड़ी देर से घर से निकल गई और बेचारी बाहर जाकर और अपना कहीं पर्दे से होकर कपड़ा पहन ली राजा के
और वस्त्र आभूषण पहनकर राज मुकुट पहन के घोड़े सवार होकर और आके इसको पास बैठा, राजा बन के इस राजकुमार के पास बैठा और बैठ के बोलता है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो नहीं, आपको तो हम नहीं पहचानते हैं। तो आप जब कारागार में थे तो आपको कौन छुड़ाया? तो हम कोई कारागार में नहीं थे। तो अच्छा, आप कोई कारागार में नहीं थे? तो नहीं, आप जिस लड़की को लेकर आए हैं उसे लाइए। अब वो राजकुमारी आई तो राजकुमारी से लड़की पूछती है, तो बेचारी लड़की है लेकिन राजा के रूप में है, क्या राजकुमारी जी आप मुझे पहचानते हैं? आप मुझसे मेरे साथ जुआ खेले हैं? तो हाँ। ये कौन है? तो मेरे हारे हुए कैदी हैं, मुझसे तो ये हार गए थे। ये लड़की जो थी, जो राजा के रूप में थी, राजा के बहू, वो क्या की कि उसका जो संदूक था उसको खोल के और राजा के वस्त्र निकाल के और दे दिया और बोला कि लीजिए। अरे ये वो रानी है राजकुमारी जो कि आपको थोड़ी थोड़ी भोजन देती थी, ये वही रानी है जो कच्चे खमानी चीर के पीठ पर थुरवाती थी नमक मिर्ची दे के, ये वही रानी है जो जुगा में आपको हराई थी, ये वही रानी है जो कारागार में डाल के रखी हुई थी, और हम वो हैं जो आपको छुड़ा के यहाँ तक लाए हैं। और बेचारी सबके सामने अपना राजा का वस्त्र उतार के और कहती है कि देखिए मेरा रूप, देखिए मेरा रूप, हम कौन हैं? अपना बाल दिखा दी, मुंह दिखा दी, जो वस्त्र था अपना नारी रूप में आ गई। ये जो तो राजा का पुत्र था राजकुमार, वो तो बिल्कुल अपना सर झुका लिया। वो जो राजकुमारी थी बेचारी जो चौपड़ खेलती थी, वो भी सर झुका के और कहती है कि बहन जी मुझे माफ़ कर दो। एक हम थे कि दूसरे को पति को बांध के वहाँ पर पिटवाते थे और कारागार में बांध के रख देते थे, एक तुम है कि अपने पति के लिए एक पुरुष का रूप धारण करके और छुड़ा कर लाई हो। तू ही एक सती पत्नी हो और हम तो गलत थे कि दूसरे को पुरुषों को हम पिटवाएं बंधवाएं, गलत किए, बहन जी मुझे माफ़ कर दो। ये भी बोली, ये राजा भी बोला कि तू मुझे माफ़ कर दो, हम मूर्ख हैं, मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्ञानी हो। ये राजा बोलते हैं इसका जो ससुर थे अपने सास पत्नी से कि जो भी घर का दरवाजा का चाबी है धन संपत्ति का रखवाली मेरा बहू करेगी आज से। वो बेचारी उसी दिन से घर का महल का मालकिन बन गई और सबके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी, खुश रहने लगी और उसी घर में खुशी जीवन बिताने लगी। और ये जो राजकुमार था दोबारा कभी नहीं बोला कि हम तुम्हें मारेंगे और पीटेंगे, क्योंकि क्या मारता क्या पीटता, वो तो खुद का मूर्ख था, तो मार पीट के क्या करता, उसको तो खुद नहीं ज्ञान था। उसे पत्नी सिखाई कि आज से ऐसा मत कीजिएगा, जो हम कहेंगे मेरे इशारे पे आपको करना पड़ेगा। ये भी बेचारा स्वीकार किया कि ठीक है, अब से ऐसा हम गलती नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। दोनों पति पत्नी और उसके सास ससुर सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगे और खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं कि सारा पुरुष तेज ही होते हैं, ये नहीं कि सारी पत्नियां तेज होती हैं, दो में एक जरूरी तेज रहते हैं, दोनों एक ही मति का और एक दिमाग का नहीं रहते हैं। तो गुरु भाई बहना दोनों अगर जो मिल कर करते हैं तो कोई काम अच्छा होता है और उसी काम को रहस्यमयी काम भी होती है, बनाई जाती है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।